हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम। मैं पंडित इसके मिश्र एक ऐसा भस्त्रिका का प्रयोग देने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, या पुरुष वर्ग इसे करें। किसी भी युवती को, स्त्री को, लड़की को अपने बस में करना चाहते हैं, भस्त्रिका पास में बांधना चाहते हैं, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बांधना चाहते हैं, तो इससे संभव हो जाएगा। अपने आप में बहुत चमत्कारिक, बहुत आधारिक और सरलतम प्रयोग में से प्रयोग है। श्रद्धा भाव और विश्वास को अजमाना है, एक एक स्टेप को सुनना है, समझना है, पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना है। इस प्रयोग में एक मंत्र की भी हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक एक स्टेप को बारीकी सुनिए, समझिए, तब इसका प्रयोग करें। जब भी आप भस्त्रिका का प्रयोग करें तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जहां सच्चा प्रेम हो, सच्ची आस्था हो, सच्चा विश्वास हो, वही इसका प्रयोग करें। किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, से चीट करने के लिए, से हानि या क्षति पहुंचाने के लिए से इसका दुरुपयोग कदापि न करें। यदि आप भस्त्रिका टोटकों का, यंत्रों का, तंत्रों का प्रयोग कर करके या करा करा के थक गए हों तो बिल्कुल आपको निराश भी नहीं होना है। हमारी भारतीय विद्या में, भारतीय समाज में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है कि विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में कर सकती है। और आप सभी अपने घर बैठे हमारे माध्यम से अपने जीवन से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या का समाधान करा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। चाहे भस्त्रिका कार्य हो या जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान हो, अपने घर बैठे हमारे माध्यम से प्राप्त करते हैं। कभी कभी तमाम माताएं, बहने, भाई लोग होते हैं, टोटका उपाय करते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि उनकी एनर्जी बैलेंस नहीं हो या कुछ और भी समस्या हो जिसको वो भली बात समझ नहीं पाते हैं और वह सोचते हैं कि इनका टोटका तो व्यर्थ ही गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, टोटका व्यर्थ नहीं जाता है। श्रद्धा भाव विश्वास में कमी हो सकती है या कुछ और भी कमी हो सकती है, इसके लिए आप परेशान ना हो। अपना तुरंत खींचा फोटो और अगले का कोई फोटो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके या कुछ और देख करके आपको उचित सलाह दूंगा, उचित मार्गदर्शन करूंगा कि क्या करना है और कैसे आपका समाधान होगा। इसके लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क करें, फोन कॉल का प्रयोग कम ही करें या ना करें। एक बात और, जब भी कोई प्रयोग करें तो सबसे पहले अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करना है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश न हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले तो मंत्र ही सुन लीजिए। मंत्र है ओम एम पूरम क्षोभय भगवती गंभीरा बल स्वाहा। पुनः सुन ले, ओम एम पूरम क्षोभय भगवती गंभीरा बल स्वाहा। विधि जरा समझ लीजिएगा। शनिवार की रात लगभग 6 बजे शमशान में जाना है और शमशान को न्योता दे आना है। इसके बाद रविवार की रात एक बार फिर शमशान में जाना है और थोड़ी सी शमशान की राख और एक ठिकड़ी ले आवें। शमशान की राख को ठिकड़ी पर रखें, उसमें अपना थूक और वीर मिलाकर तरल पदार्थ बना लेवें। अब उस ठिकरी को सामने रखकर जो मंत्र है उसका यथासंभव अधिक से अधिक जाप करें। इस क्रिया के पश्चात उसे प्रवाहित कर दें। मंत्र मैंने बोला था, मंत्र फिर से सुन लीजिए। ओम एम पूरम क्षोभय भगवती गंभीरा बल स्वाहा। यह करने के बाद जिस भी युवती स्त्री का आप ध्यान देंगे, जिसका स्मरण करेंगे, अपनी इच्छा जो व्यक्त करेंगे, वो अवश्य पूरा करेंगे। धन्यवाद। राम राम।